हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ट्रिकी रीजनिंग वाला पर। और दोस्तों आज हम रीजनिंग यानी कि तर्क शक्ति का एक नया और चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम रहेगा सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट बैठक व्यवस्था, बैठकीकरण या बैठने के जो तरीके हैं इनके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। कुछ लोग आपको दिए जाएंगे, वो 2, 4, 5, 7, 8, 11, 13 कितनी भी संख्या में हो सकते हैं। इनका बैठने का तरीका होगा कि या तो ये सर्किल में होंगे या तो ये सर्किल में होंगे जिसको हम बोलेंगे व्रत, या तो सेंटर पॉइंट की ओर देखते हुए गोलाकार आकृति में बैठेंगे और एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठेंगे, या दूसरी जो कंडीशन हो सकती है बैठने की वो हो सकती है एक मेज पर, एक वर्गाकार मेज या व्रताकार मेज भी देगा तो हमें व्रत में ही बनाने हैं, लेकिन अगर वर्गाकार देगा, एक चौकोर मेज देगा, डाइनिंग टेबल पर लोग बैठे हैं या किसी मीटिंग में आए हुए लोग बैठे हैं और वो मेज में बैठे हैं, तो आपको मेज का मतलब यूं बनाना है, इस तरह से लोग होंगे और वो कोने पर बैठे हुए हो सकते हैं, वो मध्य में बैठे हुए हो सकते हैं, लोग 6, 7, 8 भी हो सकते हैं, सभी के मुंह सेंटर की ओर हो सकते हैं यानी अंदर की ओर देखते हुए हो सकते हैं, और सर्किल में भी अगर होंगे तो ऐसे ही होंगे, कुछ लोग अंदर की ओर देख रहे होंगे केंद्र बिंदु की ओर, वो 4 हो सकते हैं, वो 8 हो सकते हैं, वो 9 हो सकते हैं, वो 7 हो सकते हैं, या कुछ लोग मेज में ही बैठे हों की बात आ जाए, किसी दिशा में देख रहे हैं, उनका मुंह किसी दिशा में है तो बायां दाएं भी ऑटोमेटिकली वैसे ही रहेगा जैसे हमारा है। तो हम इन्हें कैसे जज करेंगे वो देखेंगे। आजकल SBI PO में या क्लर्क में आजकल नए नए शेप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ट्रायंगल शेप के, या मेज वाले ही सवाल हैं लेकिन अब मेज एक नहीं है, एक मेज के अंदर दूसरी मेज भी है और ऐसे ही लोग बैठे हैं जैसे यहां है, इधर भी ऐसे ही हैं जैसे इधर बैठे हैं। तो इस तरीके का भी पैटर्न आया हुआ है SBI PO में आया है अभी, और आपको ट्रायंगल शेप में भी नया क्वेश्चन मिलेगा जो अभी अभी हाल ही में आए हैं। आज मैं जितने भी सवाल आपको करवाऊंगा 2016 के एग्जाम में आए हुए हैं, किस एग्जाम में आए हुए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हमें पहले कंसेप्ट तैयार करना है कि सिटिंग अरेंजमेंट क्या होता है। आज हम पहली ही क्लास ले रहे हैं, इसके भी पार्ट्स बनेंगे, लेकिन आज हम ऐसे ही बैठेंगे और ऐसे ही सीखेंगे जैसे पहली बार हम सीटिंग अरेंजमेंट सीख रहे हैं। आप चाहे तैयारी आज से शुरू करें या पहले से कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको नए कंसेप्ट मैं बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि सीटिंग अरेंजमेंट में जब एग्जामिनर वस्तुओं के बारे में, जब एग्जामिनर क्वेश्चन की डिटेलिंग बताता है तब कौन कौन सी लाइन हमारे काम की होती है, पहले हम किन लाइनों को बनाएं, बाएं दाएं जब वो बोले तो हम कैसे कैसे बना सकते हैं, या क्या अंडरस्टैंडिंग हमारी ऐसी हो कि बाएं दाएं में दिक्कत ना हो। लोगों को बाएं दाएं में बहुत दिक्कत रहती है और बायां दायां गलत होते ही सवाल का रुख चेंज हो जाता है, सवाल पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, तबाह हो जाता है, और उसमें जो भी आप क्वेश्चन करेंगे वो गलत ही आंसर करेंगे उसके आप। तो आज केयरफुली ढंग से आप देखें कि सिटिंग अरेंजमेंट एग्जाम में आएगा, 100% आएगा, और सिटिंग अरेंजमेंट पे पजल भी आ जाती है, हम बनाएंगे और हम बनाते भी हैं। खैर आज हम सिटिंग अरेंजमेंट की हर चीज की डिटेलिंग करेंगे कि व्रत पे आ सकता है, मेज पे आ सकता है, और लाइन में भी अरेंजमेंट आ सकता है, और लाइन में कैसे आ सकता है, सिंगल लाइन में आ सकता है, उत्तर की ओर मुंह, दक्षिण की ओर मुंह, या फिर दो लाइनों में आमने सामने लोग बैठे हो सकते हैं, सर्किल का आ सकता है अरेंजमेंट, कहने का मतलब कही गई बात को पिक्चोरियल फॉर्म में आपको रखना है, पिक्चोरियल फॉर्म में आपको रखना है, और तभी पता चलेगा कौन किसके बाएं दाएं बैठा है, कौन किसके आमने सामने बैठा है। तो हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब लोग विषम हो, विषम का मतलब लोग साथ हैं, लोग कितने हैं 7, तो आमने सामने के लोग नहीं बताए जा सकते, आमने सामने के लोग नहीं बताए जा सकते, ये याद रखना। विषम लोग होंगे तो डायग्राम पिक्चोरियल फॉर्म आप बनाएंगे, एक आकृति आप बनाएंगे कि इस तरीके से लोग बैठेंगे, लेकिन आमने सामने के लोग आप नहीं बता सकते। कब बता पाएंगे, जब लोग सम होंगे, लोग सम हों, जैसे 6
आठ दस बारह सम हो, लेकिन सात हो, नौ हो, पाँच हो, तो आमने सामने नहीं बता सकते, और इसमें आमने सामने आप बता सकते हैं। जो भी आपको आमने सामने दिखाई देगा इसमें पिक्चर फॉर्म में, वही उसके आमने सामने होगा। कैसे? इसके सामने कौन बैठा है? ये बैठा है, ये बंदा बैठा है सामने। पहली बात तो ये नोट कर लीजिए, जो चीज़ बता रहा हूँ आपके अरेंजमेंट में कहीं ना कहीं सवाल के रूप में वो आएगा, और वो आएगा तो या तो आप लोग विषम होंगे तो भी आमने सामने बता देते होंगे, गलत है, नहीं बता सकते आप, तो इस चीज़ को नोट कर लें आप। अगली बात ये कि दायां बायां भी आपको समझ आना चाहिए। यदि यहाँ कोई व्यक्ति बैठा है, यहाँ पहली बात तो कि यहाँ कोई व्यक्ति बैठा है, चार ही लोग लेते हम, चार ही लोग बनाएंगे, और सबसे ज़्यादा 90% आपके जो एग्ज़ाम में आता है वो सर्किल वाला ही आता है, यानी व्रत वाला ही आता है, एक गोलाकार आकृति में कुछ लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो चार ही लोग हमने लेने हैं और सभी का मुंह क्या है? अंदर की ओर है। अब हमें देखना क्या है? मान लीजिए ये ए है, ए है, तो ए के सामने कौन बैठा है? ये व्यक्ति बी, या इनका नाम एक बार रख देते हैं ए बी सी डी। ये अगर ए है तो ए के सामने कौन बैठा है? बी बैठा है, क्योंकि लोगों की संख्या कितनी है? एक दो तीन चार, चार यानी कि सम संख्या है, चार छः आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस बाईस जितने भी, तो वो सम संख्याओं में हम आमने सामने बता सकते हैं। लेकिन अगर विषम संख्या होती पांच लोग, तो अब ए के सामने बी नहीं बता सकते आप, क्योंकि इसका डायग्राम गलत है, हो सकता है ये इधर होता ये इधर होता, लेकिन आमने सामने तभी बता सकते हैं जब सम लोग होंगे, और बिल्कुल आपका एक्यूरेट आंसर आएगा। विषम में नहीं आएगा क्योंकि आदमी चेंज हो सकते हैं, डायग्राम सही नहीं है। इसके सामने कौन आएगा फिर? अगर ये यहाँ बना होता डी और यहाँ नहीं होता तो हम ये बता देते, जबकि इसके सामने तो नहीं आ रहा। तो इसीलिए विषम संख्याओं में हम आमने सामने नहीं बता सकते, लेकिन सम संख्या हो तो आमने सामने बता सकते हैं, 100% बता सकते हैं। तो ए जो है, ए के सामने ये है, और ए के बाएं अगर पूछ ले कौन है, तो ए के बाएं आप देखिए, ए अगर मुंह इधर करके बैठा है इधर, तो बाएं किधर हुआ? इधर। तो ए के तुरंत बाएं कौन बैठा है? डी। तुरंत बाएं, तुरंत बाएं या तुरंत दाएं जो होते हैं वो होते हैं पड़ोसी। ये पड़ोसी नहीं है ए का, ए बी का पड़ोसी नहीं है, ए पड़ोसी है सी का और डी का, क्योंकि जो बिल्कुल नजदीक में होते हैं वही पड़ोसी होते हैं। बी के पड़ोसी कौन है? सी और डी। डी का पड़ोसी कौन है? बी और ए, क्योंकि नजदीक में अगल बगल वाले ही पड़ोसी होते हैं, जो इमीडिएटली राइट या लेफ्ट होते हैं, बाएं या दाएं होते हैं, हाथों हाथ बाएं दाएं जस्ट, तो वही पड़ोसी होते हैं। पहली बात तो ये, कई बार वो कहेगा पड़ोसी नहीं, इसका मतलब अगल बगल नहीं बैठेगा, और पड़ोसी है तो अगल बगल ही बैठेगा, तभी पड़ोसी कहलाएगा। और अगर इसका लेफ्ट और राइट हमें पता करना हो, तो हमें पता है कि ये इसका लेफ्ट है और ये इसका राइट है, क्लियर। पास में बैठे हुए दो लोगों का बायां दायां हमेशा चेंज होता है। अगर मेरे सामने एक और टीचर खड़ा होता आपके सामने यहां, तो जो मेरा दायां है, जो दायां हाथ है, उसका उधर बायां हाथ होता, आप चेक कर लें चाहे, ये अगर मेरा बायां है तो उसका इधर बायां ना होकर दायां होता, अपोजिट होते हैं। तो ऐसे ही अगर मुझे सी का चेक करना है, तो ये सी का, ये अगर इसका राइट है तो इसका लेफ्ट मिलेगा, राइट हो ही नहीं सकता, और ये इसका क्या मिलेगा? राइट मिलेगा। पहली बात तो लेफ्ट राइट का खेल समझ में आना चाहिए, क्योंकि वो लाइन में ऐसा बोलेगा ए बी के बाएं तीसरा चौथा पांचवा या बिल्कुल बाएं है, तो आप कैसे जज करेंगे? तो उसकी ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये चीज़ें कुछ एक कॉमन थी जो आपको समझ आनी चाहिए, पड़ोसी कैसे होंगे। और भी बात हम करते हैं, कुछ एक बातें हम यहाँ करते हैं। अगर उसने दिया हो ए बी के बाएं तीसरा है, पहली बात तो ये कि ए बी के बाएं तीसरा है,
तो कोई भी पिक्चोरियल फॉर्म थी, हो सकता है वो केंद्र की ओर देख रहा था गोलाकार आकृति में, तो ये केंद्र की ओर देखते हुए कुछ लोग होंगे। कहता है ए बी के बाएं, तो मुझे बनाना क्या है, सर्किल में आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मान लो आठ लोग थे, चार लोग थे, छह लोग थे, तो आप ऐसे ही बनाएं, छह लोग हों तो आमने सामने बनाने हैं आपको, लेकिन विषम लोगों में आप नहीं बता पाएंगे, तो छह लोग ही लिए मैंने अभी, और ये मेरा ए है, क्योंकि उसने कहा ए बी के बाएं, तो मेरे को अगर समझ में ना आए तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहली बात तो ये कि सर्किल में आप चीज़ों को कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, यहाँ रख ले, यहाँ रख ले, यहाँ रख ले, यहाँ रख ले, कोई भी पैलेस आप चूज कर सकते हैं। लाइन में ऐसा नहीं कर सकते कि आप निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि लाइन में लोग बाहर भी जा सकते हैं, अंदर भी, वो सारी चीज़ हम सीखेंगे। हल्के से कंसेप्ट है वो क्लियर कर लेते हैं पहले। ए बी के बाएं, कौन किसके बाएं, ए बी के बाएं, तो पहले बी को बैठाओ, यहां बैठाओ, यहां बैठाओ, यहां बैठाओ, कहीं भी, मैं यहां बैठाता हूं, और ए किधर है, बी के बाएं, तो आप देखिए ये छोटी उंगली बाईं तरफ जाती है और बड़ी उंगली दाईं तरफ, छोटी उंगली बाईं तरफ, बड़ी उंगली दाईं तरफ, तो उंगली आपको यूं रखनी है, जिस तरफ व्यक्ति देख रहा है उसी तरफ इसके भी उंगलियों के भी मुंह ऊपर की ओर होने चाहिए। तो लेफ्ट तो ये बाएं और ये दाएं, तो कहता है ए बी के बाएं, बाएं तो इधर जाएगा, कितना, तीसरा, तो छोड़ दीजिए इसको, छोड़कर एक दो तीन, ये कौन मिलेगा आपको, ए मिलेगा, कौन मिलेगा, ए। देखते हैं बी के बाएं, एक दो तीन ए है क्या, तो ये पोजिशनिंग इसकी रहती, और आपको पता है कि ये इसका लेफ्ट है ही और ये इसका राइट है ही, तो क्लियर है। और नहीं पता चले तो दाएं हाथ की उंगलियों से हम चल सकते हैं बाएं और दाएं। तीसरा देखना था, तो एक दो, दो नंबर के बाद तीसरा आता यहां, यहां कोई भी आए मुझे पता नहीं, लेकिन ए की जो पोजीशन है, ए की जो बैठने की व्यवस्था है वो यहीं की गई है। अगर ऐसा नहीं होगा तो सब लोग नाराज हो जाएंगे, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। और आगे देखते हैं, अगर आपको बोल दिया जाए ए बी व सी के मध्य है, ये लाइन आ जाए, बड़ी ही क्रूशियल लाइन है, ए बी व सी के मध्य है, तो कुछ लोग ऐसा करते हैं ए बी एवं सी के मध्य, कि दोनों के मध्य ए आ गया, बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन आप देखें इसका एक केस और भी तो बन सकता है, जब कोई किसी के मध्य आ रहा है तो जो दोनों तरफ लोग हैं वो स्विच भी हो सकते हैं, एक्सचेंज भी हो सकते हैं। आपको क्या करना है, देखिए ए जो है वो तो मध्य में ही रहेगा, लेकिन बी व सी के मध्य ऐसे भी हो सकता है, यदि कोई लोग दो लोगों के मध्य में आता है तो वो केस ऐसे भी बन सकता है और वो केस ऐसे भी बन सकता है, और हमें कई बार ये ध्यान नहीं रहता। मैं इसका एक उदाहरण भी दूंगा, सवाल भी दूंगा, आप गलत करेंगे लेकिन मैं आपको बताऊंगा वो कैसे सही होगा। तो जब कोई व्यक्ति किन्हीं दो लोगों के मध्य आता हो तो केस दो तरह के बन सकते हैं, ये भी और ये भी, तो ये ध्यान रखिए। एक चीज और इसके साथ हम देखते हैं, ये मैंने आपको रैंकिंग में भी बताई है कि यदि लेकिन आ जाए, किंतु आ जाए, परंतु आ जाए, तथा आ जाए और आ जाए, इसका अर्थ होता है फर्स्ट पर्सन, यानी पहले आदमी की बात हो रही है। अगर लाइन में चलते चलते आपको किंतु, परंतु, तथा, लेकिन, इन चीजों की, या मोस्ट इंपॉर्टेंट जबकि आ जाए, तो इसका अर्थ पहले पर्सन की बात हो रही है, वहां पहले आदमी की बात हो रही है। इसके बाद अगर आपके सामने आ जाए जो, आ जाए जो या आ जाए जिसका, इसका अर्थ होता है सेकंड पर्सन। कौन होता है, सेकंड पर्सन, यानी द्वितीय आदमी की बात है, दूसरे आदमी की बात है। जैसे सवाल आ जाए ए बी के बाएं किंतु सी के दाएं हैं, तो किंतु परंतु का मतलब पहला आदमी, और पहला आदमी आपके सामने ए है, तो उसको आप रख सकते हैं। डिटेलिंग आगे क्वेश्चन में देखेंगे क्या क्या अप्रोच हम सीखते हैं। तो दोस्तों सवाल आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है और किस एग्जाम में आया हुआ है वो भी मेंशन किया हुआ है, रेलवे एनटीपीसी 2016 सेकंड शिफ्ट का ये सवाल है, और हम लेवल के ही सवाल करेंगे ताकि आपको विश्वास रहे कि आप जो पढ़ रहे हैं
उसका एक लेवल है, लेवल को मेंटेन हम करेंगे और मेंटेन करते हुए आगे बढ़ेंगे। हम बहुत बड़े सवाल भी करेंगे, पजल लेवल के सवाल भी करेंगे, लेकिन हम सारे कंसेप्ट को सीखने के लिए रेलवे एनटीपीसी 2016 सेकंड शिफ्ट का सवाल लिया है और इसमें कहता है निर्देश निम्नलिखित अंश को पढ़ें, यानी जो नीचे दिए गए गिवन हैं उनको पढ़ें और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें, क्योंकि सवाल इसी पर बेस्ड आएंगे, इसी के ऊपर पूछे गए होंगे। पहली बात यह है कि विनय, विनोद, विकास, वासु, वैभव, वरुण और विशाल, या तो वो लोग बताएगा 7 लोग, 6 लोग, 5 लोग और नाम देगा। अगर वो लोगों की काउंटिंग ना बताए, सिर्फ सीधे सीधे नाम बताए, तो काम आपका है, आप उनकी काउंटिंग करें। विनय, विनोद, विकास, वासु, 4, 5, 6, 7 कितने लोग हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 7 लोग हो गए और एक व्रत में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। वासु विकास के दाएं से तीसरा है, वासु की जो सीटिंग है वो विकास के दाएं तीसरे नंबर पर है, वरुण विनय के बाएं से दूसरा है और विशाल के दाएं से दूसरा है। वरुण जो है विनय के बाएं से, विनय जहां होगा उसके बाएं से दूसरा और विशाल के दाएं से दूसरा है। और का मतलब क्या हुआ? और का मतलब क्या आ गया? और समझ नहीं आए अगर बात, तो मैंने आपको बताया था यदि और आ जाए, तथा आ जाए, किंतु आ जाए, परंतु आ जाए, तो इससे पहले 2 लोगों की बात हुई है, और तथा किंतु परंतु, जबकि का अर्थ होता है पहला व्यक्ति। तो देखते हैं पहला व्यक्ति कौन है, वरुण और विनय में से पहला वरुण है, तो यहां रख सकते हैं वरुण विशाल के बाएं से, वरुण विशाल के दाएं से दूसरा है। सवालों को देखेंगे, आगे पूछा उसने वैभव विनोद के दाएं से तीसरा है, और आ गया, यानी कि वैभव वरुण का निकटतम पड़ोसी नहीं है। पढ़ने में आसानी हो जाएगी, लेकिन जो बात मैंने पहले बता दी है सीटिंग अरेंजमेंट को बनाने से पहले, कैसे आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन गलत ना होकर सही हो जाए, जल्दी हो जाए, ट्रिक से हो जाए, तो कुछ ट्रिक्स, कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं, वो आपको ध्यान में रखनी है। तो 7 लोग हैं और वो कहता है एक व्रत में बैठे, एक व्रत का मतलब यूं, ये व्रत है, और कितने लोग हैं? 7। 7 हैं तो ऑड नंबर है, विषम संख्या के लोग हैं, और विषम संख्याओं में आमने सामने के लोग नहीं बताए जाते। हम शुरू करते हैं, और उसने कहा कि एक सर्किल में है और 7 लोग हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7वां कहीं पर भी, यहाँ पर या यहाँ पर, लेकिन ध्यान रहे ऑड्स लोगों में यानी कि विषम लोगों में आमने सामने नहीं बताया जाता, चाहे वो सामने ही क्यों ना दिखाई दे। तो एक लेवल का सवाल है, इतना आसान भी नहीं है, लेकिन हमें लेवल के सवाल ही बनाने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में लेवल ही आता है, तो हमें लेवल को मेंटेन करना है। और उसमें से कहता है कि 3 लाइनें आपको दी हैं निष्कर्ष की, बना हुआ डायग्राम पहले से एग्जामिनर की नज़र में, आपको उसमें से कुछ चीज़ें उठाकर दी गई हैं, कौन किसके बाएं, कौन किसके दाएं, कौन किसके सामने, या कौन किसका पड़ोसी नहीं है, कौन किसका पड़ोसी है, और इन्हीं बातों से आपको एक डायग्राम यानी वही पिक्चोरियल फॉर्म बनाकर देनी है, जिसमें पता लगे कौन किसके बाएं दाएं हैं, जो एग्जामिनर के पास है। तो मैं यहाँ पर वरुण को उठा लेता हूँ, क्योंकि वरुण मुझे यहाँ पर 2 बार कॉमन दिखा है, तो मैं बना लेता हूँ। हालांकि आप यहाँ से ही बना सकते हैं, लेकिन एक हैबिट हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि किसको बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आपको पता लग जाता है। चीज़ें जल्दी भी बदल सकते हैं आप, अगर कोई सेट नहीं हो रहा तो वहाँ से उठा सकते हैं उसे आप। तो वरुण को ले लेते हैं और कहता है इस लाइन को हम लेते हैं, वरुण विनय के बाएं से दूसरा है, वरुण विनय के बाएं से, तो वरुण को हम यहाँ बना लें एक बार, लेकिन वरुण जो है वो विनय के बाएं से है, तो विनय का बाया तो इधर होगा, तभी तो विनय के बाएं से इधर आएगा विनोद। अगर आपको यूं लगे कि डाउट है, वरुण विनय के बाएं, वरुण मैंने बना दिया और बना हुआ किसी के बाएं है, तो दूसरा व्यक्ति उसके दाएं मिलेगा, तो वरुण के दाएं चलते हम, वरुण के दाएं चलेंगे तो विनय यहां मिलेगा, और यही पोजिशनिंग है, यही अरेंजमेंट है, सीटिंग करवानी है हमें। तो कहता है कि वरुण जो विनय के बाएं, तो देखिए विनय के बाएं है क्या, छोटी उंगली बाएं, बड़ी उंगली दाएं, ये लीजिए ये बाएं गया, बाएं कितना, पहला और दूसरा बना दिया हमने। आप चाहें तो यहाँ से बना सकते हैं, सर्किल में आप चीज़ को कहीं से ही बना सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी चीज़ों में फ़र्क पड़ता है, लेकिन इनमें से आप किसी को यहाँ 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 यहाँ
कहीं पर भी रख सकते हैं जितनी जगह आपके पास है। तो मैंने बनाया वरुण विनय के बाएं से दूसरा है और जबकि किंतु परंतु तथा लेकिन आ जाए तो इसका अर्थ होता है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन इस लाइन में कौन सा है? वरुण, क्योंकि दो लोगों की बात हुई, वरुण विनय के बाएं से दूसरा है तो पहला कौन? वरुण। तो यहां रख लेते हैं वरुण विशाल के दाएं से दूसरा है, वरुण विशाल के दाएं से दूसरा है, तो विशाल के दाएं से है ये तो वो इसके बाएं से मिलेगा, एक दो यहां मिलेगा विशाल। इन छोटी छोटी चीजों को आप समझ लें। कहता है वरुण जो है, क्योंकि और का अर्थ होता है पहला व्यक्ति, पहला व्यक्ति यानी वरुण विशाल के दाएं दूसरा, विशाल के दाएं से दूसरा आ गया, तो ये लाइन तो मेरी हो गई। अब कहता है वैभव विनोद के दाएं से तीसरा है, वैभव विनोद के दाएं से तीसरा, मुझे नहीं पता कहां आएगा। और का अर्थ वैभव, जब पता चल जाए तो नाम लिख सकते हैं। वैभव वरुण का निकट पड़ोसी नहीं है, ये बात पता चली। वैभव जो है वरुण का निकट पड़ोसी नहीं हो सकता, और निकट पड़ोसी होते हैं दाएं बाएं वाले। तो कहता है यहां वैभव नहीं आएगा। कौन नहीं आएगा? वैभव यहां नहीं आएगा। यहां आएगा? नहीं आएगा। तो वैभव कहां आएगा? वैभव या तो यहां आ सकता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी यही है, या यहां आ सकता है, इसके अलावा नहीं आ सकता, क्योंकि यहां तो नहीं आ सकता। उसने कहा यहां नहीं आएगा, तो इन जगह पर पहले से लोग बैठे, दो ही बचे, ये आपको आना चाहिए। तो वैभव यहां आया, तो कहता है यहां वैभव विनोद के दाएं से तीसरा है, वैभव जो है वो विनोद के दाएं से तीसरा है, विनोद के दाएं से तीसरा। अगर विनोद यहां है तो दाएं से तीसरा एक दो तीन नहीं आएगा वैभव। यहां करते हैं, अगर यहां विनोद को ले लें तो विनोद के दाएं से एक दो तीन, क्या तीसरा आ जाएगा वैभव? लेकिन ये तो दूसरा है, तो इसका मतलब ये पोजीशन इसकी सही नहीं है। यहां आएगा, यहां आएगा, तो यहां कौन आएगा? यहां आएगा विनोद। कौन आएगा? विनोद। मैंने जगह देखी, ये जगह खाली थी, ये जगह खाली थी, दो जगह खाली थी, क्योंकि विनोद यहीं बैठ सकता है, और वैभव विनोद के दाएं तीसरा होने के लिए नज़दीक आ नहीं सकते। ये तो मुझे पता है, ये तो तुरंत दाएं बाएं है, तीसरा होने के लिए जगह होनी चाहिए दो बीच में, तो दो बीच में जगह ये रही, आ गया यहां पर। अब आगे क्या कहता है? वैभव विनोद के दाएं से तीसरा है और वरुण का निकटतम पड़ोसी भी नहीं है, ठीक है, वैभव नीचे। और क्या कहता है? अब ये लाइन बच गई, वासु विकास के दाएं से तीसरा है, तो वासु यहां आ जाएगा, और विकास के दाएं से तीसरा है तो विकास यहां आ जाएगा। विकास के दाएं से तीसरा वासु हो गया, लोगों की सीटिंग सही बैठ गई। स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, आपको कई बार देखना होता है कि किस तरीके से मुझे अरेंजमेंट को सही दिशा में लेकर जाना है, जल्दी बन जाए, क्योंकि अरेंजमेंट में बहुत सी बातें होती है। एक तो प्रैक्टिस अच्छी चाहिए, एक इन छोटी छोटी चीज़ों का जवाब आपके पास होना चाहिए, कौन सी लाइन आप पहले उठाएं, अगर गलती हो गई तो आप रिप्लेस भी करें, तो धीरे धीरे सारा काम सीखेंगे। लेकिन यहाँ हमने रेलवे NTPC 2016 सेकंड शिफ्ट का सवाल लिया था, और ये सवाल स्टैंडर्ड सवाल था, ऐसे बनेगा। कोई पूछ ले वरुण के निकटतम पड़ोसी कौन है, तो वासु और विनोद। पूछ ले वैभव के तुरंत बाएं, वैभव के तुरंत बाएं विकास। पूछ लेता विशाल के तुरंत दाएं, विशाल के तुरंत दाएं विकास, वासु। विशाल के तुरंत दाएं कौन? वासु। आमने सामने पूछ लिया जाए, नहीं बता सकते, तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना था। डायग्राम आपसे बन जाएगा, बाकी के सवाल भी हम करेंगे, लेवल पर चलेंगे, पजल्स भी बनाएंगे। लेकिन आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा, समझ में आई? छोटी छोटी चीज़ों की हल्की सी जानकारी पहले से हो और मुश्किल नहीं है, एक आध सवाल हम बनाएंगे, समझ आ जाएगा। सवाल चाहे आपने पहली बार देखा हो, सीटिंग अरेंजमेंट पहली बार कर रहे हैं, या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी पहली बार कर रहे हैं और उसमें सीटिंग अरेंजमेंट सीख रहे हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। आप चैनल से बने रहें, वीडियो आपको कैसा लगता है इसके ऊपर कमेंट करें, लोगों तक शेयर करें, ताकि अच्छी चीज़ लोगों तक पहुँचे। तो आज का वीडियो यहीं तक था, बाकी की बात हम अगले वीडियो में करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।